हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक सेमी वॉशिंग मशीन है, इसको कैसे हम चलाएंगे। जब आप ये मशीन लेके आते हैं तो चलाएंगे कैसे, इसके लिए मैं एक डेमो वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा कैलविनेटर कंपनी का 8 kg का वॉशिंग मशीन है जो कि आपके सामने में दिख रहा है, और इसमें बहुत सारे बटन्स हैं। उसका क्या क्या यूजेज है मैं वो सारे एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को जाने से पहले आप देख सकते हैं कि क्या क्या सिस्टम है, और एक बार जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको नए नए से वीडियो मिलता रहेगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। आप जो देख पा रहे हैं ये मेरा एक वाल्व है, यानी कि किधर करना, यानी कि स्पिन की तरफ पानी डालना है कि वॉश की तरफ। ये जो राइट तरफ देख रहे हैं वो स्पिन है, लेफ्ट साइड में वॉश की तरफ, यानी कि दो यहाँ पर मोटर है और दोनों तरफ पानी हम डाल सकते हैं। और इसके लिए देख सकते हैं ये वॉश का काउंटर है, यानी कि टाइमर है। इससे हम इसको अलग अलग करके टाइम दे सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं टाइमर घुमाएंगे तो यहाँ इस तरह करके मेरा अलग। बगल में आप देख सकते हैं कि मशीन को हम कैसे चलाना है, यानी कपड़ा हमको हैवी धोना है कि नॉर्मल धोना है। तो ज़्यादा कपड़ा हो गया तो हम हैवी में करेंगे, और सिंपल कम कपड़ा रहे नॉर्मल में डालेंगे। तो हैवी ज़्यादा गंदे के लिए यूज करते हैं, और नॉर्मल कम गंदे के लिए यूज करते हैं। और अगर ज़्यादा कपड़ा हो गया तो हैवी भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा मेरा जो है ये है, यहाँ पे एक ड्रेन सिलेक्शन है, सिलेक्टर है, यानी कि अगर पानी को बाहर निकालना तो ड्रेन में लेके जाएंगे तो पानी वॉशिंग मशीन से बाहर निकल जाएगा। अगर आपको क्लोज करना है ड्रेन को तो रिंच की तरफ, यानी कि कपड़ा धोना है या फिर कपड़े को घुमा यानी कि वॉशिंग करना है तो इसके लिए इधर लेके आएंगे, यानी कि रिंच और वॉश में। रिंच का मतलब जो सुखाने का काम करते हैं, और ड्रेन में पानी बाहर निकल जाता है वॉशिंग मशीन के साथ। जब आप कपड़ा धोएंगे इसके अंदर से बाहर पानी निकल जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बगल में एक अलग सिलेक्टर स्विच, यानी कि इसको स्पिन टाइमर बोलते हैं, तो इसके लिए आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी मैं एक एक करके आपको दिखा दिया। लास्ट का जो बचा है ये स्पिन टाइमर है, इससे हम लोग इसका अलग मोटर है। सेमी का मतलब क्या होता है, इसका अलग से एक मोटर रहता है उसके बगल में, उसके हमको यूज करते हैं ड्राई करने के लिए, यानी कपड़ा को सुखाने के लिए। तो ये मेरा ड्रायर है, और इस ड्रायर में एक एक करके कपड़ा उठा करके इसमें डालना पड़ता है, और जिससे ये सुखाने का काम करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक ये ड्रायर किस तरह है यहाँ पे, और इस तरह का मैं यहाँ अगर यहाँ ओपन करता हूँ इस तरह, यानी कि सिलेक्टर स्विच को लेके जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, टाइमर को ओपन करता हूँ, तो इस तरह करके हमको एक सिलेक्ट। तो जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, चेक करने के बाद यहाँ पे देखो पानी आ रहा है। तो चलते हैं हम एक आपको डेमो की तरफ। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कैसे हम लोग कपड़ा वॉश करेंगे। कपड़ा डालने से पहले आप वॉशिंग पाउडर डालिए, और उसको अच्छे से मिला लीजिए पानी के साथ, ताकि वो वॉशिंग पाउडर पानी में घुल जाएगा। उसके बाद इस तरह आप कपड़ा डालिए। कपड़ा डालने के बाद मशीन को स्टार्ट में छोड़ दीजिए, यानी कि आप पूरा फुल टाइमर लगा दीजिए, और वो धीरे धीरे वो इस तरह घूमता रहेगा। बेटर है कि आप दो बार कपड़ा, यानी कि दो बार ड्रेन करके पानी डालिए तो उसमें अच्छे से धुलाएगा। थर्ड टाइम में आप वापस उसको निकाल दीजिए आफ्टर वॉश करने के बाद। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, मैं इस एक दो बार हो चुका हूँ, और मैं इसको ड्रेन कर दिया हूँ। और ड्रेन करने के बाद मैं एक एक करके कपड़ा में फिर इस ड्रायर में डालूँगा, यानी कि साइड में ड्रायर, ये देख सकते हैं मैं आपको ड्रायर दिखा रहा हूँ। तो इस ड्रायर में एक एक करके मैं कपड़ा डालूंगा, और मैं थर्ड टाइम में पानी को ड्रेन नहीं किया क्योंकि जो कचरा है ना उस मिश्र रह जाएगा। अगर ड्रेन करता हूँ तो कचरा कपड़ा का साथ टच हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है। इसलिए मैं पानी को धो करके एक एक करके कपड़ा ड्रायर में उठा के डाल दिया, और मैं इस तरह से स्टार्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, अब ये ड्रायर स्टार्ट हो गया, यानी कि ड्रायर का मोटर स्टार्ट हो गया। इस तरह से मेरा कपड़ा यहाँ पर अब सूख जाएगा। तो आपको ज़रूर पसंद आएगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।